हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं पुष्के प्रोसेस और मैं हूं पुष्प। फ्रेंड्स, बात कर रहे हैं लेटेस्ट आरआरबी के अपडेट के बारे में। तो आरआरबी की तरफ से ग्रुप डी के लिए क्या अपडेट आया है उसके बारे में जान लेंगे फ्रेंड। तो ग्रुप डी के लिए बहुत ही बड़ा अपडेट है कि तारीख को लेकर यहाँ पर अपडेट दिया गया है कि आपके एग्जाम जो है वो कब तक हो पाएंगे फ्रेंड। तो फ्रेंड, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो लोग भी अपडेट हो जाए फ्रेंड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो बहुत ही बड़ा अपडेट है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या अपडेट दिया गया है। तो आरआरबी यहाँ पे एनटीपीसी एडमिट कार्ड और अपडेट जो यहाँ पे एएलपी और ग्रुप डी के लिए भी यहाँ पे अपडेट दिया गया है। तो आप देख सकते हो 7 दिसंबर 2019 16:22 की ये न्यूज है। तो चलिए देख लेते हैं क्या कुछ न्यूज में कहा गया है। तो आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2019 विल बी रिलीज सून, दी सेम वंस रिलीज्ड विल बी अवेलेबल ऑन दी ऑफिशियल वेबसाइट। तो जैसा कि फ्रेंड आप जानते हैं कि पहले एनटीपीसी का फॉर्म आया था, उसके बाद ग्रुप डी का फॉर्म आया था। तो जैसे ही एनटीपीसी का डेट आ जाता है, उसके कुछ दिन बाद ही आपका ग्रुप डी का एग्जाम का जो रिजल्ट डेट है वो भी दे दिया जाएगा। और यहाँ पे बताया गया है दी नाउ ऑलमोस्ट सर्टेन एग्जाम डेट वुड बी डिक्लेयर्ड नेक्स्ट मंथ, दी एग्जाम विल बी कंडक्टेड इन दी मंथ ऑफ फरवरी एंड मार्च। तो यहाँ पे लगभग बताया जा रहा है कि आपका एग्जाम जो है वो अब अगले साल होगा, यानी कि अगले महीने यानी कि जनवरी में देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे यह भी बताया गया कि आपका एग्जाम जो है वो फरवरी या मार्च के महीने में लिया जा सकता है। ये देरी क्यों हो रही है फ्रेंड, इसकी वजह यह है कि यहाँ पे बहुत सारे जो प्रोसेस है वो अभी चल रहे हैं। देयर इज नो कन्फर्मेशन डेट द एएलपी ग्रुप डी जेई पैनल विल बी कंप्लीटेड बाय जनवरी 2020। यानी कि अभी यहाँ पे एएलपी ग्रुप डी जेई का भी अभी यहाँ पे प्रोसेस जब वो चल रहा है, जिसकी वजह से काफ़ी देरी हो रही है, क्योंकि यहाँ पे जेई का रिजल्ट भी अभी तक नहीं दिया गया है सीवी टू का, जिस वजह से और भी देरी हो रही है। दूसरा कारण ये भी है कि बोर्ड ऑफिशियल से डेट द प्रोसेस इज अंडर वेट, द एडमिट कार्ड वुड बी रिलीज इन फरवरी, वंस द आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड 2019 इज रिलीज द एग्जाम विल बी कंडक्टेड विथ इन ए वीक। यानी यहाँ पे जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी यानी कि ECA जो इसके द्वारा आपका एग्जाम लिया जाएगा, उसके द्वारा अभी तक फाइनल नहीं किया गया कि आपका एग्जाम जो वो कब तक फाइनल किया जाएगा, जब तक कि ECA का यहाँ पे अभी रेलवे जो वो चुनाव कर रहा है। और जैसे इसका सिलेक्शन हो जाता है तो ECA आपका डिसाइड करेगा कि आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम जो वो कब तक हो पाएगा फ्रेंड। तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम में आपको एक मोटा तौर पे बता दूं कि यहाँ पे बताया गया है कि द ऑफिशियल स्टेट द प्रोसेस ऑफ फाइनलाइजिंग द एजेंसी वुड बी कंप्लीटेड दिस मंथ। जो एजेंसी का काम है फ्रेंड, वो इस दिसंबर के महीने तक में पूरा कर लिया जाएगा। और इसके करने के बाद आपको एक महीने का समय और लग जाएगा, क्योंकि वो प्रोसेस चेक करते हैं कि एग्ज़ाम किस तरह लेना है, कहाँ पे कितना शिफ्ट में होता है, वो सारा कुछ देखते हैं। उसके लिए एक महीने का समय लग जाता है, तो जिस वजह से आपका एग्जाम जो फ्रेंड वो फरवरी मार्च में जा सकता है। तो यहाँ पर बताया भी गया है दिस वुड मीन डैट द प्रोसेस वुड बिगिन इन जनवरी फ्लैमिंग विच द एडमिट कार्ड वुड बी रिलीज बाय फरवरी 2020। वंस द डेट इज अनाउंस द आरआरबी एनटीपीसी कार्ड 2019 विल बी रिलीज्ड। तो यहाँ पे बता दिया है कि जनवरी तक प्रोसेस लग जाएगा, उसके बाद आपको फरवरी में जो है फ्रेंड आपको एडमिट कार्ड देखने को यहाँ पे मिल सकता है फ्रेंड। तो उसी तरह से यहाँ पे सेम प्रोसेस जो बताया गया है वो एनटीपीसी के लिए भी है और ग्रुप डी के लिए भी है फ्रेंड। था कि आपका जो एग्ज़ाम है वो आप समझ लीजिए कि आपका जब तक एनटीपीसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है, तब तक आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे ही एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम का डेट अनाउंस होगा, समझ लीजिए कि आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम जो वो बहुत ही नज़दीक हो जाएगा। यानी कि जैसे ही मान लीजिएगा अगर 10 तारीख को अनाउंस होता है, तो आपका 20 या 25 तारीख से आपका ग्रुप डी का एग्ज़ाम का डेट के बारे में भी कुछ नोटिफिकेशन जारी जरूर कर दिया जाएगा फ्रेंड। तो तैयारी करते रहिए फ्रेंड। तो जैसे ही अगला कुछ नया अपडेट होगा तो मैं आपके साथ फिर से वीडियो शेयर करूंगा। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए, लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, रेलवे से जुड़ा हुआ पल पल के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको अपडेट जो वो मिलता रहेगा फ्रेंड। तो वीडियो के ठीक नीचे आपको लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, उसे दबा लेना है और साथ में बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।